नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर मुकाती। गार्डनिंग के ऊपर मैंने अभी एक दो वीडियो बनाए थे ड्रिप के ऊपर और टेरेस गार्डनिंग के ऊपर, तो लोगों के बहुत कमेंट्स आए कि सर आपके पौधे बहुत बड़े हो गए लेकिन अभी तक उनमें खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने उनको बताया कोटिंग मिक्सचर एक ऐसा बेस होता है जिससे कि हम बिना खाद दिए ज़्यादा टाइम तक पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने कोटिंग मिक्सचर के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये हमारे घर की तैयार हुई खाद है। ये जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो है, ये मिट्टी है, ये सैंड है, ये थोड़ा कोकोपीट है, और ये हमारे जनरली जो पत्थर गया इधर उधर गिरे रहते हैं वो है। और कल मैं केवीके में गया था तो वहाँ से ये 5 किलो का एक बैग लेके आया हुआ हूँ जिसका नाम है वर्मी कंपोस्ट का बैग है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में ये उपलब्ध होता है और शासकीय दर पे उपलब्ध होता है। तो ये हमारे कोटिंग मिक्सचर का, जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है, तो कल मैं अपनी फैमिली में 2-3 मेंबर लेके आया था पौधों के लिए। ये है पॉइंसेटिया, ये अभी मैं पौधा लेके आया हूँ 30 रुपये में, लेकिन अभी 15 दिन 1 महीने बाद में इसमें जब सिंदूरी पत्ते निकल आएंगे और इसको बाकायदा एक गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यही पौधा 400 रुपये का हो जाएगा, जो हमको आज 30 रुपये में मिल गया। और जो आज हम मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, ये मिक्सचर जो पोटिंग मिक्सचर है या फिर जो गमले का मिक्सचर है, ये एक रामबाण मिक्सचर है जिससे आपके गमले में ना कभी चींटी आएगी, ना बीमारी आएगी और ना कभी पानी रुकेगा। कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो सबसे पहले तो ये, जैसे हमने गमला लिया तो गमले के आजू बाजू में हमें छेद करना रहता है, तो प्रॉपर उसमें छेद कर लीजिए, जैसे उसमें दिए हैं वैसे छेद कर लीजिए। उन छेद को करने के बाद में उनको थोड़ा, हो सके तो और थोड़ा बड़ा कर दीजिए इस तरह से, ताकि पानी आपका किसी भी प्रकार से रुके ना। दूसरा काम आपको ये करना है कोटिंग मिक्सचर बनाने के पहले, कि जैसे मैंने आपको बताया था हमने कुछ पत्थर इकट्ठे किए थे जो इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं, तो उनको पहले हम इसमें डाल देंगे इन पत्थरों को, और इस तरह से डालेंगे कि ये इन जो हमारे क्या बोल सकते हैं होल्स हैं उनको कवर कर ले, और उसी के ऊपर हम थोड़ी सी बालू रेत डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब पानी ज़्यादा गिरेगा या पानी ज़्यादा हो जाएगा तो मिट्टी आपके जो होल्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करेगी, वो प्रॉपर वे में ड्रेनेज हो जाएगा। अभी एक हम ये गमले में करने वाले, इसमें अच्छे छेद हैं, पहले से ही होल्स हैं, और तो एक थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पत्थर, थोड़ी फिर मिट्टी का सैंड डाल देंगे। सैंड डालने के बाद में इसको, अब ये कोटिंग मिक्सचर भरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कोटिंग मिक्सचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है मिट्टी। तो मिट्टी आप पहले यही सिलेक्ट कीजिए कि मिट्टी आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिट्टी आपको, ना ज़्यादा हैवी मिट्टी लेना है, ना ज़्यादा हल्की मिट्टी लेना है, मीडियम मिट्टी लेना है, और ऐसी मिट्टी लेना है जिसमें कि प्रॉपर रूप से आपका पौधा ग्रोथ कर सके और थोड़ा उसके अंदर न्यूट्रिएंट पहले से ही मौजूद हो। इस टाइप की आप मिट्टी का चयन करें जिससे कि आपको भविष्य में बार बार खाद देने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी, थोड़ी मिट्टी डालेंगे, ये ले ली हमने मिट्टी। आप देख सकते हैं मिट्टी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट होंगे और लगभग मुझे 2 से 3 साल तक इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी डालने के बाद में, ये मिट्टी ले ली है हमने, उसके बाद में हम साइड में ये जो हम मार्केट से जो कृषि विज्ञान केंद्र शासकीय ले के आए हैं, ये कोकोपीट को बाद में डालेंगे, पहले हम वर्मी कंपोस्ट को डालेंगे। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। इसके अंदर अभी भी जब मैं गया तो मेरे सामने ये फील करके दिया था, तो मैं भी इसमें अभी भी केचुए के कुछ बच्चे या फिर अंडे हो सकते हैं। तो जितनी हमने मिट्टी ली थी उतनी हमने केचुआ खाद ले ली, और फिर जो हमने घर पे जो हमारा खुद का किचन वेस्ट है उसको भी हम इसमें यूज करेंगे। किचन वेस्ट को खाद कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डिस्क्राइब से, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ड्रिप तो मैंने लगा दी थी, अब मैं फोगर लगाने वाला हूँ तो फोगर का यूज कैसे करूँगा। अब इसमें हम कोकोपीट लेंगे, कोकोपीट हम थोड़ा कम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे पास में जो मिट्टी है उसमें वैसे ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है और उसमें प्रॉपर रूप से पानी जाएगा। आप चाहे तो कोकोपीट की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
अब आप देखेंगे ये चार चीजें हमारे पास में हो गई है, मिट्टी हो गई है, वर्मी कंपोस्ट हो गया है, घर का वेस्ट हो गया है और हमारा कोकोपीट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी मिला देंगे सैंड। सैंड मिलाने से भी आपका जो पानी का जमाव होता है वो कम होता है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़रूरी होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, ये है हल्दी। हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, सर्दी जुकाम वगैरह में हमको सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हल्दी का दूध पियो, हल्दी का ये करो। तो हल्दी को हम थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। इसको डालने का फ़ायदा ये है कि हमारे गमले में जो कीड़े बन सकते हैं या जो चींटियाँ आती है वो चींटियाँ इससे नहीं आएगी और हमारे पौधे की ग्रोथ या जो हमारे पौधे में जो सड़न होती है, जड़ सड़न, वो सड़न नहीं होगी इससे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जो गमले लगे हुए हैं या जो पौधे लगे हुए हैं वो छत पे न लग के छत से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर लगाए हैं मैंने। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी छत को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि पौधा जब हम लगाते हैं तो उसमें 24 घंटे पानी भरा रहता है या नमी बनी रहती है और वो नमी धीरे 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 हमारी छत में उतरती जाती है, तो उस चीज़ से हमको छुटकारा मिलता है। दूसरा, उसमें किसी प्रकार से कीड़े नहीं बन पाते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए। और झाड़ू निकलना बड़ा आसान रहता है, साफ़ सफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा पोटिंग मिक्सचर जो है लगभग तैयार है और ये पोटिंग मिक्सचर आपको लगभग लगभग 2 से 3 साल तक सर्विस देगा। इसमें आप हम इसमें किसी प्रकार का रासायनिक केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी रासायनिक खाद का यूज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि रासायनिक खाद का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है, मानता हूँ मैं, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 1 महीने बाद में उसको फिर से आपको देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट में आपके जो पौधे की पत्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा मोटा कर देता है, जिससे कि उसमें रस चूसक कीट जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए कि आपके पौधे में ज़्यादा कीड़े भी ना लगे, बीमारी भी ना लगे और बार बार खाद भी ना देना पड़े, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने ये पोटिंग मिक्सचर तैयार किया है। इसमें जो कुछ वेस्ट होता है वो उस पर डालते जाते हैं, करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। अब जैसे ये हमारा पौधा हुआ, पहले इसको आधा भरते हैं हम, उसके बाद में इसको कट कर लेते हैं सावधानी से। कट करने के बाद में इसको निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे नर्सरी की क्वालिटी की जो पॉट मिक्सचर है और हमने जो पॉट मिक्सचर बनाया उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको सावधानी से लगा देंगे और जो हमने मिक्सचर बनाया है ये आजू बाजू में भर देंगे। और ये जो छोटे से गमले में हमने मिक्सचर बनाया है, ये गमले में लगभग 4 से 5 किलो का गमला है ये, इसके लिए ये पोटिंग मिक्सचर लगभग 2 साल तक सर्विस दे जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप अगर चाह रहे हो कि इस तरह की और वीडियो बनाओ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ कि जो मैंने अपना हमारे बगीचे में ड्रिप इंस्टॉलेशन किया हुआ है, जिससे पानी देने का झंझट खत्म हो गया है, उसी के साथ में एक समस्या और होती है कि सर हम पानी दे रहे हैं पौधे खत्म हो जाते हैं। तो मैं अभी इस बगीचे में एक आर्टिफिशियल फोगर सेटअप करने वाला हूँ, एक उसका वीडियो बना के मैं आप लोगों को डालूंगा। जय हिंद, जय भारत।